गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की सदस्य सांसद रवि किशन ने लोकसभा में की जोरदार मांग। कहा, देश के प्रमुख शहरों में गिने जाने वाले गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बनने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। आरोपी भाई को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त सूखी लकड़ी को किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर के गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा सहित कई मार्केट और कस्बों में जीएसटी के छापेमारी के डर से कई दुकानें रही बंद। व्यापारियों को जीएसटी के छापे का सता रहा है डर। जिले में जीएसटी की छापेमारी की नहीं मिली सूचना। राहुल गांधी के समर्थन में 9 दिसंबर को कुशीनगर से यूपी कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा होगी प्रारंभ। विभिन्न जनपदों से होते हुए 20 दिसंबर को मगहर में होगा यात्रा का समापन। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष विधायक वीरेंद्र चौधरी ने दी जानकारी। पहचान के लिए बनवाने वाले टैटू अब फैशन में हो गया है तब्दील। शरीर के किसी भी अंग पर असुरक्षित तरीके से गुदवाया गया टैटू हेपेटाइटिस, एड्स, लीवर सिरोसिस या कैंसर का बन सकता है कारण। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने वाले 5 अपराधियों प्रजापति, मनीष यादव, प्रिंस यादव, उदयभान यादव और सचिन यादव के ऊपर बांसगांव थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी साउथ ने दी जानकारी। जिले में स्थापित होगा 48 नगरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। 20 नगरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की प्रक्रिया हुई पूरी। वेलनेस सेंटर में ओपीडी, औषधि भंडार, डे केयर की रहेगी सुविधा। सीएम डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। गोरखपुर के युवाओं में है फायर। बस उन्हें बेहतर संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की है जरूरत। सदस्य सांसद रवि किशन शुक्ला ने लोकसभा में की मांग। कहा, बेहतर खेल संसाधन उपलब्ध होने पर चीन, जापान जैसे देशों से अधिक लाएंगे मेडल। से 19 दिसंबर तक काकोरी बलिदान दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के संबंध में एडीएमसीटी विनीत कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बलिदान दिवस के कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। आतिशबाजी कर की खुशी जाहिर। महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गुजरात के जनता सहित भाजपा कार्यकर्ताओं की है जीत। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के अंतर्गत महंत दिग्विजय नाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता व महंत वैद्यनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता तीसरे दिन भी रहा जारी। लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज और फैजाबाद हॉस्टल के बीच खेला गया मैच। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले टीम व खिलाड़ियों को नगद धनराशि, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर मुख्यमंत्री 10 दिसंबर को करेंगे सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। सदस्य सांसद रवि किशन शुक्ला ने गुरुवार को लोकसभा में नियम 377 के अधीन वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के पास 13 एकड़ में खेलो इंडिया अभियान के तहत विकसित किए जाने वाले खेल मैदान में संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए धनराशि स्वीकृत करने की मांग की। इसके साथ ही सांसद ने गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की भी मांग की। सदस्य सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ ही यह देश के प्रमुख शहरों में गिना जाता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन, खेलकूद, व्यापार का भी बहुत बड़ा केंद्र है। यहां स्थित वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप 13 एकड़ जमीन जो खेलो इंडिया के लिए चयनित की गई है, यहां का विकास अभी किया जाना बाकी है।
विकास के बाद ही यहां खेल प्रतिभाओं को मंच मिल सकेगा। सांसद रवि किशन ने कहा कि यह सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, बहुउद्देशीय हाल, तरणताल, फुटबॉल ग्राउंड आदि का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत किया जाए। इन सब का निर्माण होने के बाद गोरखपुर व आसपास के जिलों के युवाओं को खेल के बेहतर संसाधन मिल सकेंगे। सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि देश की युवा शक्ति को खेल की ओर उन्मुख किया जाए, जिससे वह बेहतरीन खिलाड़ी बनकर पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करें। बहुत अहम मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर पूर्वांचल का सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, खेलकूद, पर्यटन, व्यापार आदि का बहुत बड़ा केंद्र। गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। इस कॉलेज से सटी हुई कुछ 13 एकड़ जमीन है महोदय, जिसे खेलो इंडिया के अंतर्गत विकसित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ऑलरेडी चिन्हित भी किया जा चुका है, जिसके तहत सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, बहुउद्देशीय हॉल, तरणताल, फुटबॉल ग्राउंड आदि का निर्माण किया जाना है। लेकिन इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अभी तक धनराशि जारी नहीं की गई महोदय। अंततः मैं आपके माध्यम से खेल मंत्रालय से मांग करता हूँ कि वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप की भूमि को खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत आधुनिक खेल संसाधनों से विकसित करने के लिए अविलंब धनराशि जारी करने की कृपा करें। एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन जाए तो पूर्वांचल में बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो ओलंपिक्स में भाग लेके मेडल लाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि देश के युवा शक्ति को खेलो और उन्मुख करके उसके उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाया जाए, ताकि वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक जितनी भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं में देश का नाम रोशन करें। गोरखपुर के युवा अत्याधिक प्रतिभाशाली हैं महोदय। ये मैं चूंकि पर्सनली वहाँ रहता हूँ तो देखता हूँ, दे आर फैंटास्टिक, दे आर वेरी टैलेंटेड, फायर है सब में। उपरोक्त खेलकूद परिसर को विकसित करने से काफी लाभ होगा। धन्यवाद। शाहपुर थाने की पुलिस ने पारिवारिक विवाद में बड़े भाई की हत्या में शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को लाला बाजार अम्बेडकर की मूर्ति के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान धर्मेंद्र पुत्र स्वर्गीय मुरारी निवासी जंगल तिकोनिया नंबर 1 टोला केवटहिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से आला कतल सूखी लकड़ी को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि बुधवार को वादिनी ने सूचना दिया कि मेरा तथा मेरे भसुर धर्मेंद्र का छप्पर अगल बगल है, हम लोग अलग अलग रहते हैं एवं खाते पीते हैं। 6 दिसंबर को हमारे भसुर शराब के नशे में साइकिल से आए तथा गाली गुप्ता देने लगे। तब हमारी सास ने कहा, काहे गाली दे रहे हैं, दिन में तुम्हारा नशा उतर जाएगा, तब जो तुम्हारी समस्या होगी उसको निपटा लेना। उसके बाद भी धर्मेंद्र गाली देना बंद नहीं किए। तब मैंने भी कहा, जब भी पीकर आते हो तब गाली देते हो, यदि जमीन में हिस्सा कम मिला है तो दिन में इसको समझ लेना। तब मेरे भसूर ने कहा, मैं लाश गिराऊंगा। यह सुनकर हमारे पति स्वर्गीय जितेंद्र हमको पकड़कर हमारे छप्पर की तरफ ले जाने लगे। तभी हमारे भसूर ने छप्पर के सामने पड़े हुए साखू के डाल से पीछे से मेरे पति के सिर पर मार दिया। चोट लगने के कारण मेरे पति गिर पड़े और उनके नाक और मुंह से खून आने लगा तथा मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में मैंने थाना शाहपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी मधुपनाथ मिश्रा, कांस्टेबल सतेंद्र यादव, रोहित गुप्ता शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना शाहपुर द्वारा एक हत्या के अभियुक्त धर्मेंद्र सन ऑफ मुरारी जंगल तिकोनिया नंबर 1 टोला कैवटिया के रहने वाले को गिरफ्तार किया है।
उल्लेखनीय है कि 6 तारीख को शाम को 8 बजे के आसपास यह व्यक्ति शराब पी के अपने घर पे आया और इसकी अपने ही भाई और भाई की पत्नी के साथ गाली गलौज किया। इनका एक संपत्ति का विवाद है जो कि 1 फीट से 2 फीट का जो बंटवारा है वो अभी तक नहीं हुआ है, उसको लेकर था। इनकी माँ ने बताया कि आप दिन के समय में आप इस समय जो भी विवाद है उसका निस्तारण कर लीजिए, लेकिन इनका गाली गलौज बढ़ा और गाली गलौज के बाद में इस व्यक्ति ने साखू की लकड़ी से सिर पे वार किया, जिसकी वजह से इसका भाई जितेंद्र जो वहीं गिर पड़ा और उसको फिर उसके परिवारजनों ने BRD मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस प्रकार आज थाना शाहपुर ने धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया है और आला कत्ल जो साखू की लकड़ी है उसको भी बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया है। इनका ऐसा कोई स्पेसिफिक पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये 5 भाई हैं, 5ों में से ये 4थे नंबर का भाई है और छोटे से जगह पर छप्पर डाल के रहते हैं ये लोग। लेकिन इनके बीच में अभी तक क्लियर कट प्रॉपर्टी का कोई डिमार्केशन नहीं हुआ था, उसी को लेकर इनमें अनबन रहती थी। इसका कोई आपराधिक इतिहास पूर्व का ऐसा नहीं पाया गया है और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको आज ही जेल भेजा जाएगा। थैंक यू। जिले के गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा सहित कई मार्केट और कस्बों में GST के छापे के डर से कई दुकानें बंद रही। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जनपदों में कारोबारियों पर GST टीम की छापेमारी चल रही है, क्योंकि व्यापारी कच्चा बिल बनाकर GST में घपला करते हैं जिससे राजस्व का नुकसान होता है, जिसके डर से जनपद के गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा सहित कई मार्केट और कस्बों में अधिकतर दुकानदार दुकानों को बंद किए हुए थे, लेकिन जिले में GST की छापेमारी सूचना नहीं मिली, जिसके संबंध में गोलघर बलदेव प्लाजा के दुकानदारों ने बताया कि अधिकतर लोग शटर बंद करके रख रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि GST टीम आई हुई है और दुकानों पर छापा डाल रही है। 3 दिनों से पूरे मार्केट में यही हाल है, डर की वजह से दुकानें खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग समय पर GST भरते हैं, लेकिन तब भी लोग डरे हुए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोलघर बलदेव प्लाजा के व्यापारी अशोक कुमार और मनीष नागलिया ने कहा, नहीं पता बस शटर सबने गिराने शुरू किए, हम लोग भी गिरा रहे हैं सब। अब यहाँ तो नहीं पड़ा, यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैक्सिमम सब लोग GST सब टैक्स सब देते ही हैं सब। अब कोई आवे तब ना पता पड़े, ऐसे क्या कुछ पता, जानकारी नहीं है किसी, कोई सूचना नहीं है। बस सब लोग सब देखा देखी शटर नीचे गिरा रहे हैं, सब गिरा रहे हैं नीचे, देखा देखी गिराया जा रहा। मनीष नागलिया, सारी दुकानें बंद है क्या मामला? मार्केट में हल्ला हुआ, GST वाले आए हैं, 2-3 दिन से यही सब चल रहा है, दुकान खुल रही है बंद हो रही है, खुल रही है बंद हो रही है। यहाँ की दुकानें पड़ा नहीं है, लोग कहे कि कोई आया कि यहाँ टीम आ रही है, रीति वाले यहाँ का हल्ला कर रहे हैं, बस वही रूमर पे जो है एक शटर गिरता है तो लोग खटाखट देखा देखी जो है बंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष विधायक वीरेंद्र चौधरी ने मोहद्दीपुर स्थित एक निजी होटल में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 9 दिसंबर से कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होगी। पूर्वांचल जोन की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा भगवान गौतम बुद्ध की धरती कुशीनगर से शुरू होकर विभिन्न जनपदों से होते हुए 20 दिसंबर को संत कबीर की धरती मगहर में जाकर इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा में पार्टी के बड़े नेता सहित कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। उन्होंने
कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार 80 दिनों से यात्रा कर रहे हैं, उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी सभी प्रांतों में प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा राहुल गांधी के समर्थन में तमाम मुद्दों को लेकर पद यात्रा निकालेंगे। उन्होंने कहा कि यह पद यात्रा 20 से 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलेगी, जिसमे 200 लोग परमानेंट चलेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, अरुण अग्रहरी, डॉक्टर बीएस सिंह, अनिल सोनकर, सुमित पांडे, राकेश यादव, दिलीप निषाद, अनवर हुसैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा, जो पदयात्रा है वो तमाम विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ का माहौल बना हुआ है, उस माहौल को समाप्त करके यहाँ पे भाईचारा बनाना चाहते हैं और उस भाईचारा बनाने के लिए यात्रा की आवश्यकता महसूस हुई उत्तर प्रदेश में, इसलिए यात्राएं निकाली जा रही है। हमारे साथ उसमें परमानेंट रहेंगे जो प्रादेशिक यात्री होंगे, और उस समय उस जिले में जाने के बाद यात्रा का रूप विकराल होगा। बहुत ज़्यादा लोग इस समय समर्थन के लिए तैयार हैं, तमाम लोगों से मेरी बात होती रह रही है। तो तमाम समाज, ये यात्रा हमारी हो रही 340 किलोमीटर। सबसे पहले आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पहुँचे। और मेरा उद्देश्य ये था, मैं आज आप सबको सिर्फ इसलिए बुलाया था कि प्रांतीय अध्यक्ष बनने के बाद हम आप सबसे मिल नहीं पाए थे, और एक बार हम चाहते थे अभी सभी प्रेस के साथियों से मुखातिब हो जाएँ। और एक ऐसा संयोग भी था कि कल से मेरी प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, इस जोन की, पूर्वांचल जोन की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा कल से कुशीनगर के ऐतिहासिक धरती से शुरू कर रहा हूँ। इसलिए आप सबको इस यात्रा के बारे में कुछ बात करनी थी। यात्रा कल से शुरू होके और 20 तारीख तक विभिन्न जनपदों से होते हुए वापस मगहर में संत कबीर जी की धरती पर उसका समापन होगा, जिसमें पार्टी के बड़े नेता भी सम्मिलित होंगे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब या कोई चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जो, चाहे भूपेश बघेल जी, जिनकी भी सहमति बन जाएगी 20 तारीख को आप सबके बीच में उस यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए हम आप सबको बुलाए थे, और ये यात्रा एक ऐतिहासिक होगी। जिस तरह राहुल गांधी जी लगातार 80 दिनों से यात्रा कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि हर प्रांत में, जैसे जो हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो अपने प्रांत में एक यात्रा राहुल जी के समर्थन में जारी करेंगे, और महंगाई के खिलाफ होगी, बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ होगी, और तमाम ऐसे लोकल मुद्दे हैं जिनको लेकर इस यात्रा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर को क्यों चुना आपने? कुशीनगर इस पूर्वांचल की एक ऐसी ऐतिहासिक धरती है, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, और उसका एक ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए हमने उस धरती को चुना। क्या पदयात्रा ही होगी? पदयात्रा होगी, 20 से 25 किलोमीटर की रोज पदयात्रा होगी। कितने लोग हो सकते हैं इसमें? जिसमें हमारे साथ 200 लोग परमानेंट चलेंगे, जो प्रादेशिक यात्री के रूप में सम्मिलित किए जाएंगे। उसके बाद हर जिले के लोग उस जिले में पहुंचने पर उस जिले के सभी कार्यकर्ता साथी, सभी सम्मानित साथी और तैसे तमाम सामाजिक संगठन के लोग जो हमसे इस समय लगातार संपर्क में हैं, तमाम आंगनबाड़ी आशा मित्र जो कार्यकर्तियाँ हैं, ये तमाम लोग हमसे संपर्क में, वो लोग भी उसमें भाग लेंगे और वो यात्रा में सहभागी होंगे। जिले में टैटू बनवाने के शौकीन लोग हेपेटाइटिस के शिकार हो रहे हैं, इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है। आपको बता दें कि गर्दन के पास या हाथ में टैटू बनवाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। वहीं प्रोफेशनल टैटू लगवाने वाले जहां इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं, तथा अनप्रोफेशनल शिल्पकार महिलाओं को भी बीमार कर रहे हैं। शरीर के किसी भी हिस्से पर टैटू बनवाने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। हाथ या शरीर के किसी भी अंग पर असुरक्षित तरीके से गुदवाया गया टैटू हेपेटाइटिस या एड्स का कारण बन सकता है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि टैटू पहले लोग पहचान के लिए बनवाते थे, लेकिन अब फैशन में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस बी जीर्ण संक्रमण है जो लीवर में पड़ा रहता है, प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर सिरोसिस या लीवर कैंसर का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि एक ही सुई का कई लोगों पर इस्तेमाल किए जाने पर यह संक्रमण का कारण बन रहा है, जो लीवर सिरोसिस या कैंसर का रूप ले सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, तो ये होते हैं कई बात नहीं, ना 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 कोई नहीं, तो सही है जो ना खिलौना खिलौना।
देखिए, टैटू जो होता है ये एक तरह से पहले पहचान के लिए लोग करते थे, अब ये फैशन के कारण लोग करने लगे हैं। टैटूइंग में निडल प्रिक किया जाता है, अब इसमें अगर असावधानी बरती जाती है और इसको जो है स्टरलाइज ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता है तो जो प्रमुख बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस और HIV काफ़ी कॉमन होती है। तो मैं सबसे सलाह दूंगा या तो डिस्पोजेबल निडल्स के द्वारा ही टैटूइंग कराएं, जिसमें एक बार करने के बाद वो डिस्कार्ड कर दिया जाए। अगर बार बार प्रयोग करने वाली निडल से आप टैटूइंग करा रहे हैं तो उसके स्टरलाइजेशन पर विशेष ध्यान दीजिए, अन्यथा ये आत्मघाती होता है। सर, किस तरह का संक्रमण है ये और महिलाओं को? इसमें जैसे सपोज कि अगर हम हेपेटाइटिस से पीड़ित हैं, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है और जिस निडल से हमारे टैटूइंग की गई और आप फिर उसी से आपकी टैटूइंग कर दी गई, तो हमारा जो सीरम के थ्रू जो होता है, जो वायरस होता है, वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा और आप संक्रमित हो जाएंगे। बांसगांव थाने की पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वालों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बांसगांव थाने की पुलिस ने 5 अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की है, जिनकी पहचान प्रजापति पुत्र रामविलास उर्फ पहुना निवासी ग्राम गजारी थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, दूसरा मनीष यादव पुत्र पन्नेलाल यादव निवासी गजारी थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, तीसरा प्रिंस यादव पुत्र नन्हेलाल यादव निवासी ग्राम गजारी थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, चौथा उदयभान यादव पुत्र इंद्रासन यादव निवासी नैपुरा थाना खजनी जनपद गोरखपुर, पांचवा सचिन यादव पुत्र पन्नेलाल यादव निवासी ग्राम गजारी थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। SP साउथ ने बताया कि अभियुक्तों ने सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो को वायरल कर दिया था, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना क्षेत्र बांसगांव में वर्ष 2021 में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी और इस दुष्कर्म में कई लोग शामिल थे, साथ ही साथ उन लोगों ने उसका वीडियो बनाया था जिसे वायरल कर दिया था। इस आधार पर थाना बांसगांव में मुकदमा पंजीकृत हुआ, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उनके विरुद्ध आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय प्रेषित किया। इस जघन्य घटना को देखते हुए इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया और माननीय जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरांत घटना में शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग थाना बांसगांव में पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय में इनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा तथा गैंगस्टर एक्ट की अन्य धाराओं के अंतर्गत इनके विरुद्ध जो भी कठोरतम कार्यवाही संभव है वो सभी विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिससे कि समाज में एक संदेश जाए। जिले में 15,000 से 20,000 आबादी वाले क्षेत्र पर शासन द्वारा 48 नगरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें 20 नगरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
इस बारे में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि शासन द्वारा जनपद में 15 से 20 हजार आबादी वाले क्षेत्रों में एक नगरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला जाए, जिसको देखते हुए जनपद को 48 नगरीय हेल्थ सेंटर मिले हैं, जिनमें से 20 हेल्थ सेंटर चिन्हित कर लिया गया है, जहां पर 20 चिकित्सकों के लिए इंटरव्यू किया जा रहा है तथा शीघ्र ही चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि वेलनेस सेंटर में ओपीडी रूम, औषधि भंडार, टीकाकरण स्टाफ, नर्स का वेटिंग रूम व पंजीकरण कक्ष, 2 शौचालय, वेलनेस कक्ष तथा डे केयर रूम की व्यवस्था रहेगी। मानव संसाधन के लिए मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, ANM, क्लिनिक स्टाफ, गार्ड और सपोर्ट स्टाफ की तैनाती रहेगी। उन्होंने कहा कि स्टाफ नर्स एवं ANM की नियुक्ति राज्य स्तर पर किया जाएगा तथा मेडिकल ऑफिसर MBBS की नियुक्ति जनपद स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति से किया जाएगा तथा क्लिनिक स्टाफ एवं गार्ड सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी से जनपद स्तर से किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, नगरी हेल्थ वेलनेस सरकार की ये मंशा है कि 15 से 20 हजार की आबादी पर एक हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाने की सोच है। उसी के तहत जो है जनपद को 48 मिले हुए हैं, जिसमें 20 का चिन्हीकरण किया जा चुका है, भवन तलाश लिए गए हैं, उनका MOU साइन हो गया है, वहाँ पर 20 चिकित्सकों की तैनाती के लिए उनके इंटरव्यू किए जा रहे हैं, यथाशीघ्र उनकी तैनाती हो जाएगी और यथाशीघ्र वो सब सेंटर्स हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में वो क्रियाशील हो जाएंगे। क्या सुविधाएं? उस पर सभी सुविधाएं होंगी, जिसमें जो है परिवार कल्याण की सुविधाएं होंगी, बाल स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, NCD कार्यक्रम की सुविधाएं होंगी और वहां पर जो है चिकित्सक जो के द्वारा जो होता है जितने भी सामान्य रोग होते हैं उनके सभी के उपचार की व्यवस्थाएँ की जाएंगी। तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की सदस्य सांसद रवि किशन ने लोकसभा में की जोरदार मांग, कहा देश के प्रमुख शहरों में गिने जाने वाले गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बनने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या, आरोपी भाई को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त सूखी लकड़ी को किया बरामद, SP सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर के गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा सहित कई मार्केट और कस्बों में GST के छापेमारी के डर से कई दुकानें रही बंद, व्यापारियों को GST के छापे का सता रहा है डर, जिले में GST की छापेमारी की नहीं मिली सूचना। राहुल गांधी के समर्थन में 9 दिसंबर को कुशीनगर से यूपी कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा होगी प्रारंभ, विभिन्न जनपदों से होते हुए 20 दिसंबर को मगहर में होगा यात्रा का समापन। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष विधायक वीरेंद्र चौधरी ने दी जानकारी। पहचान के लिए बनवाने वाले टैटू अब फैशन में हो गया है तब्दील, शरीर के किसी भी अंग पर असुरक्षित तरीके से गुदवाया गया टैटू हेपेटाइटिस, एड्स, लीवर, सिरोसिस या कैंसर का बन सकता है कारण, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने वाले 5 अपराधियों प्रजापति, मनीष यादव, प्रिंस यादव, उदयभान यादव और सचिन यादव के ऊपर बांसगांव थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, SP साउथ ने दी जानकारी। जिले में स्थापित होगा 48 नगरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 20 नगरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की प्रक्रिया हुई पूरी, वेलनेस सेंटर में OPD, औषधि भंडार, डे केयर की रहेगी सुविधा, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। गोरखपुर के युवाओं में है फायर, बस उन्हें बेहतर संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की है जरूरत, सदस्य सांसद रवि किशन शुक्ला ने लोकसभा में की मांग, कहा बेहतर खेल संसाधन उपलब्ध होने पर चीन, जापान जैसे देशों से अधिक लाएंगे मेडल। से 19 दिसंबर तक काकोरी बलिदान दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के संबंध में ADMCT विनीत कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक, बलिदान दिवस के कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश।
गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई, आतिशबाजी कर की खुशी जाहिर। महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गुजरात के जनता सहित भाजपा कार्यकर्ताओं की है जीत। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के अंतर्गत महंत दिग्विजयनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता व महंत वैद्यनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता तीसरे दिन भी रहा जारी। लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज और फैजाबाद हॉस्टल के बीच खेला गया मैच। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले टीम व खिलाड़ियों को नगद धनराशि, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर मुख्यमंत्री 10 दिसंबर को करेंगे सम्मानित। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सदर सांसद रवि किशन ने गुरुवार को लोकसभा में नियम 193 के तहत खेल व खेल प्रतिभाओं को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें प्रोत्साहित कर बेहतर प्रशिक्षण की मांग की। सांसद रवि किशन ने कहा कि युवाओं को अगर खेल संसाधन उपलब्ध कराया जाए तो वह भी चीन, जापान जैसे देशों की तरह और अधिक मेडल लाएंगे। इसके लिए खास पहल करने की जरूरत है। चीन, जो सर्वाधिक मेडल जीतने वाला राष्ट्र है, वह खिलाड़ियों को लेकर खास रणनीति अपनाता है। वह अच्छे खिलाड़ियों की सूची तैयार करते हैं, उन्हें शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उन्हें बेहतर संसाधन व प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। ऐसा ही कुछ हमें भी करना चाहिए। अच्छे खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें केंद्र सरकार को भेजना चाहिए, जिससे बेहतर प्रशिक्षण के साथ वह देश के लिए और मेडल ला सके। सांसद ने गोरखपुर के युवाओं की चर्चा करते हुए कहा कि यहां के युवा खेल के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। इनकी खेल भावना देखने योग्य है। यहां के युवा फायर हैं, बस यहां और संसाधन उपलब्ध कराने की जरूरत है। सांसद ने कहा कि खेल के लिए एक पाठ्यक्रम भी अनिवार्य करना चाहिए, जिससे हमारे देश के युवा और शक्तिशाली एवं प्रतिभावान होंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे खेल पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, चूंकि हम लोग इस क्षेत्र से आते हैं जहां पर खेल हम लोगों के लिए कुश्ती हुआ करता था या खेल हम लोगों के लिए गिल्ली डंडा हुआ करता था, तो ऐसे माहौल से निकल कर जब आज हम लोग 2022 में हैं, जहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया के तहत हमारे मंत्री, हमारे खेल मंत्रालय ने इसको एक नई उड़ान दी, एक नई ऊंचाई दी है। वेयर आई कैन सी कि हमने लास्ट ईयर हम लोग बहुत सारे ओलंपिक्स में मेडल्स में आगे आए हैं, तो आज मुझे खुशी है कि आज हमारा देश यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के साथ एक अच्छा सरकारी खेलो इंडिया के तहत एक बजट मिल रहा है हमारे बच्चों के लिए। उसमें कुश्ती है, कबड्डी है, बैडमिंटन है, खो खो है, तीरंदाजी है, नेशनल टैलेंट का एक पूल जो मैं अब्रॉड के थॉट्स में, जैसे अमेरिका में, चाइना में, आई टू ऑलवेज थिंक कि वाई चाइना एंड अमेरिका दे गेट मैक्सिमम मेडल्स एंड ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, तो वहाँ पर उनके पास दे है, उनकी एक योजना के तहत होता है कि उनकी टीम जाती है उनके वहाँ के राज्यों में और एक टीम ऑफ पूल बैठी रहती है जो अध्ययन करती है कि ये स्पोर्ट्समैन या ये लड़का या ये बिटिया, ये लड़की बहुत टैलेंटेड हैं, और उनका सिलेक्शन होता है एंड उसके ऊपर स्टडी करके उनको शॉर्टलिस्ट करके उनका नाम सेंटर में भेजा जाए। तो मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, जो आज देश में हमारे बच्चों के लिए एक नया एक विश्वास पैदा किए स्पोर्ट्समैन के लिए इन एवरी फील्ड, मैं और आपके माध्यम से मैं मंत्री जी, खेल मंत्रालय को भी कहना चाहता हूँ कि एक नेशनल टैलेंट ऑफ पूल हर राज्य में क्रिएट किया जाए, जहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाए, बच्चों पर ध्यान दे, हुआ द किड्स, कौन बढ़िया करेंगे, और उनको शॉर्टलिस्ट करके केंद्र में उनको खेलो इंडिया के तहत उन लोगों को फंड करके वी मस्ट प्रमोट डैम, उनको हम आगे लाएं और हर साल है। और मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय ये भी कहना चाहता हूँ कि एवरी स्कूल मस्ट हैव, मस्ट एक होता है कि जरूरी है आपको स्पोर्ट्स में भाग लेना, जरूरी है आप टैलेंट के साथ आप आगे आएं, जरूरी है आप इसमें बढ़ें। और उसके अंदर जैसे मेरे गोरखपुर में नौकाय, हमारे यहाँ बहुत सारी फील्ड्स हैं, हमारे यहाँ झील बहुत बड़ी है, तो नौकायन से हम लोग बढ़ सकते हैं। वी हैव लॉट ऑफ फुटबॉल ग्राउंड्स, वी हैव क्रिकेट के अलावा भी जो और खेल हैं, जो देसी खेल हैं, उसमें आगे बढ़ें। और स्कूल में जब ये मस्ट हो जाएगा तो हमारे स्कूल के बच्चे, जो मैं अक्सर कहता हूं कि ड्रग्स से बचे रहेंगे, अल्कोहल, शराब, सिगरेट,
एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने काकोरी बलिदान दिवस पर 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित तो होने वाले कार्यक्रम के संबंध में विकास भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा कि काकोरी बलिदान दिवस में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक मंच दिया जाए। काकोरी बलिदान दिवस के बारे में जागरूकता के लिए कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। उन्होंने अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि 15 से 19 दिसंबर तक कार्यक्रम स्थल बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह एवं महंत दिग्विजय नाथ पार्क एवं अन्य स्थानों पर व्यापक सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जाए और मोबाइल शौचालय आदि स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को लगभग 750 ड्रोन के माध्यम से स्वतंत्रता एवं काकोरी पर ड्रोन शो भी किया जाएगा। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, उप निदेशक बौद्ध संग्रहालय डॉक्टर मनोज गौतम, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पहला सर ये है कि 15 से 19 के बीच में अपना जो कार्यक्रम होना सर वो बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया जाना है सर। सांस्कृतिक कार्यक्रम की जा रही है सर और उनका लक्ष्य यह सर की प्रतिदिन सर हमारे जो स्थानीय कलाकार हों बाहर के कलाकार चयन करके संस्कृति निदेशालय को सुनिश्चित कराया है सर। और उनका उद्देश्य यह सर कि सबसे अधिक से अधिक कार्यक्रम में हम अपने स्थानीय कलाकारों को रोजगार सृजन कराएं सर। और एक बड़ा कोई कलाकार संस्कृति भाग सर अपना लखनऊ से लेकर के आएगा सर। और इसके पश्चात सर इस दौरान सर कार्यक्रम के आयोजन में सर विद्यालय डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं को भी प्रतिभाग किया जाना है सर। डीआर साहब ने आए हैं, पूरे इंडिया का रिकॉर्ड है सर की 500 ड्रोन एक साथ उड़ाए गए हैं सर 26 जनवरी को दिल्ली में सर। और एक बार कार्यक्रम लखनऊ में हुआ था एजेंसी में सर, यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था 700 ड्रोन को एक साथ लेना चाहिए था इस तरह की हमारे शहीद में उसके लिए हम कार्यक्रम दिखाएंगे सर, उसकी स्पीच कराएंगे सर। और ये कार्यक्रम सर दिल्ली आईआईटी के यूनिवर्सिटी के बच्चे कर रहे हैं सर। परसों को मुख्य पर्यटन साहब उनको भेजा था सर, मैंने दिल्ली नाथी पार्क में स्थल रेडी करा दिया है सर। उनकी आवश्यकताएँ हैं सर, आवश्यकताओं के हिसाब से प्रदेश के हिसाब से व्यवस्था सुनिश्चित की जानी होगी सर। नहीं 19 को आप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी रख रहे हैं वहीं पर और ड्रोन उड़ाने का, तो ड्रोन के लिए तो खुला एरिया चाहिए, ओपन स्पेस चाहिए सर। लगा होगा बाकी ओपन होगा, कार्पेटिंग होगी सर, चेयर होगा सर उसपे। और साथ में सर जो रेकी किया था उसने भी जगह डिसाइड कर रखा है, उसको हमें सर हॉट बोर्ड से सर क्लेम कराना होगा सर टेस्ट के माध्यम से। 15 से 20 मिनट का होगा? नहीं सर, ये लगभग सर लगभग 40-50 मिनट का है सर। 40-50 मिनट मुख्यमंत्री ड्रोन वाला कार्यक्रम देखेंगे जी सर, पूरा अलग अलग बनाया, मैं आपको शेयर करूँ, एक बार देख लीजिएगा। नहीं आप बनाया ठीक है, मुख्यमंत्री इतना समय नहीं है, देख लीजिए ये सर उच्च स्तर पर सर शासन स्तर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने डिस्कस किया होगा सर, आप यहाँ डिस्कस कर लीजिए सर। 50 मिनट ड्रोन का कार्यक्रम मुझे सर जनपद में अलग अलग स्थानों से दिवस के रूप में निकाला जाना है। और उनका सर 19 तारीख की शाम का आफ्टरनून कल्याण है अधीक्षक साहब से। इसमें आप ऐसा करिएगा, बहुत छोटे बच्चे मत ले जाइएगा ठीक है, उसमें हाई स्कूल से ऊपर हाँ, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के हों या डिग्री कॉलेज के हों जी, तो ये टाइप से ठीक है। नेक्स्ट सर आईआईटी दिल्ली सर, ये इसकी जो नोडल ऑफिसर बच्चों को जो ले आएंगे इनके लिए कुछ लंच पैकेट वगैरह स्वच्छ जलपान की व्यवस्था रखी जाएगी, हमारे स्वच्छ जलपान बच्चों की पेयजल की व्यवस्था वहाँ रखी जाएगी सर 19 तारीख के लिए ठीक ठीक। और अभी जो मैंने बताया सर आईआईटी दिल्ली टीम आएगी सर 19 तारीख ड्रोन शो के लिए सर, जो इनकी टीम आई थी परसों सर, ये टीम को हमने वहाँ करा दिया है सर। शासन स्तर भी निर्देश हुए थे सर कि इस कार्यक्रम के प्रत्येक बैनर पर सर G20 का लोगो भी यूज किया जाएगा सर, और अपने अपने लोगों के साथ में सर। और नेक्स्ट सर पुलिस और पीएससी बैंड वालों के संबंध में चर्चा सर, सर 19 तारीख को पुलिस और पीएससी बैंड के भी वालों होने ये आप ये सर अपने कारागार में होने सर जो और चोरी चौरा में भी होने हैं सर, जो अपने 4 शहीद स्मारक स्थल है वहाँ भी ये किए जाने हैं सर, उसमें भी अनुमोदन सर 19 तारीख को जो हमारे 4 शहीद स्मारक स्थल हैं सर, वो प्रशासन स्तर पर संबंधित जो वहाँ के उच्च अधिकारी महोदय हैं सर, जैसे चोरी चौरा किया था छोटा ही सही सर, वहाँ पर कार्यक्रम किया जाए सर, वहाँ भी बच्चों को इकट्ठा किया जाए सर, और वहाँ भी बैंड की व्यवस्था। 4 कौन-कौन से, एक आपका जेल हो गया, एक जेल हो गया सर, चोरी चौरा हो गया सर, ढोरिया कला है सर, शहीद बंधु जी और शहीद बंधु सिंह शहीद बंधु सिंह
भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दिया। आपको बता दें कि बेनीगंज पार्टी कार्यालय कार्यकर्ताओं से भरा था। ढोल नगाड़ों के साथ जीत की खुशी में आतिशबाजी की गई, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। पांचवी बार गुजरात विधानसभा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जो कि एक रिकॉर्ड है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के नाते ही संभव हो पाया है, जो कि 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, जिसका संदेश पूरे हिंदुस्तान को गुजरात विधानसभा चुनाव के जीत से गया है, जिसके जीत की खुशी में भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मना रहे हैं, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने ही पूरे चुनाव में घर घर जाकर भाजपा का प्रचार किया था। इस अवसर पर पूर्व महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, महिला कार्यकर्ता पद्मा गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन और भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, गुजरात में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में एक बहुत बड़ी सफलता हम सबको प्राप्त हुई और पांचवी बार पुनः गुजरात में हमारा जो है मंत्रिमंडल पूर्ण बहुमत के साथ जो है विजयी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की पुनः एक बार वहां पर सरकार बनने जा रही है, बन गई है और उसका आगे शपथ ग्रहण होगा। तो हम मोदी जी के नेतृत्व में आज गुजरात जो पहले से बहुत मजबूत था, आज भी बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारे मुखिया जो हैं मोदी जी, वह पूरे देश को और जनता को लेकर के साथ चल रहे हैं, उनका दुख सुख बांट रहे हैं। तो ऐसे नेता को पा करके वहाँ की जनता और पूरे भारत की जनता निश्चित रूप से मोदी जी के में आस्था व्यक्त कर रही है और आगे आने वाला जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी हमारा जो स्थानीय निकाय का जो चुनाव होगा, इसमें हम लोग भी पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होंगे, क्योंकि योगी जी मोदी जी की जोड़ी डबल इंजन की सरकार आगे भी विजयी होगी और हम सब अपने कार्यकर्ता
आज डिंडीगंज कार्यालय पर पूरा जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आज मोदी जी की जो विजय है या पूरे भारतवर्ष में उनके कार्यों की विजय है। निश्चित रूप से हम आपके चैनल के माध्यम से गुजरात की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और जो मोदी जी में उनकी आस्था है वो सदैव जीवन भर इसी तरह से आस्था बनी रहे, और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में अच्छी सरकार चलती रहे, और 2024 में पुनः मोदी जी के नेतृत्व में हम सब केंद्र में पुनः सरकार बनाएंगे और इसी तरह जनता का प्यार पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके चैनल के माध्यम से पुनः गुजरात की जनता को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। निश्चित ही गुजरात में लगातार पांचवी बार और रिकॉर्ड, ये पूरे गुजरात के चुनाव के इतिहास में एक रिकॉर्ड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। निश्चित ही यह सन 2024 के केंद्र में चुनाव के लिए बहुत बड़ा संदेश है पूरे हिंदुस्तान में। मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है, इसका बहुत बड़ा संदेश आज पूरे हिंदुस्तान को गया है। आज उसी के उपलक्ष्य में पूरे भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ता आज खुशियां मनाकर एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ताकि 2024 में इसी ऊर्जा के साथ हम सभी पुनः मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। निश्चित ही कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। गुजरात चुनाव का परिणाम पूरे देश में एक ऊर्जा का संचार किया है, और निश्चित ही पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एकजुट है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2024 में भी इसी तरह लहर चलने वाली है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के अंतर्गत गुरुवार को महंत दिग्विजयनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता व महंत अवैधनाथ राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसके संबंध में प्राइज मनी प्रतियोगिता के संयोजक कृष्णकांत यादव ने बताया कि इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन है, जिसमें फैजाबाद हॉस्टल और लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज के बीच बास्केटबॉल मैच खेला जा रहा है। फाइनल मैच में प्रथम द्वितीय पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिसंबर में संस्थापक समारोह के समापन के अवसर पर प्रथम स्थान पाने वाली टीम के खिलाड़ियों को 75,000 नगद मेडल व प्रशस्ति पत्र, द्वितीय स्थान पाने वाले खिलाड़ी को 50,000 व तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ी को 35,000 नगद धनराशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले टीम के खिलाड़ियों को ट्रैक सूट व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राइज मनी प्रतियोगिता के संयोजक कृष्णकांत यादव ने कहा, मैं कृष्णकांत यादव, अवकाश प्राप्त क्रीड़ा अध्यक्ष महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर, संयोजक वॉलीबॉल बास्केटबॉल प्राइज मनी प्रतियोगिता महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत
प्राइज मनी वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की प्रतियोगिता परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के नाम से बास्केटबॉल की प्रतियोगिता और परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के नाम से बास्केट वॉलीबॉल की प्रतियोगिता यहां आयोजित है। इस समय वॉलीबॉल का यह थर्ड प्लेस के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और फैजाबाद हॉस्टल के बीच मैच खेला जा रहा है। इस मैच के बाद फाइनल मैच होंगे। फाइनल मैच 1 बजे दोपहर को होगा। सम्मानित भी किया जाएगा जो टीमें यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं। समस्त टीमों को परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा यह आदेश है कि आप सभी टीमों को प्रोत्साहित करेंगे, सबको पुरस्कृत करेंगे, जिसके अंतर्गत जितनी भी टीमें आई हैं इस प्रतियोगिता के दोनों में उन सबको ट्रैक सूट के साथ सबको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। विजेता टीम को 75,000 रुपये नकद और मेडल ट्रॉफी के साथ पुरस्कृत किया जाएगा और उप विजेता को 50,000 रुपये और मेडल और ट्रॉफी के साथ और थर्ड प्लेस के लिए 35,000 रुपया नगद और ट्रॉफी और मेडल के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की सदस्य सांसद रवि किशन ने लोकसभा में की जोरदार मांग। कहा, देश के प्रमुख शहरों में गिने जाने वाले गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बनने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। आरोपी भाई को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त सूखी लकड़ी को किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर के गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा सहित कई मार्केट और कस्बों में जीएसटी के छापेमारी के डर से कई दुकानें रही बंद। व्यापारियों को जीएसटी के छापे का सता रहा है डर। जिले में जीएसटी की छापेमारी की नहीं मिली सूचना। राहुल गांधी के समर्थन में 9 दिसंबर को कुशीनगर से यूपी कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा होगी प्रारंभ। विभिन्न जनपदों से होते हुए 20 दिसंबर को मगहर में होगा यात्रा का समापन। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष विधायक वीरेंद्र चौधरी ने दी जानकारी। पहचान के लिए बनवाने वाले टैटू अब फैशन में हो गया है तब्दील। शरीर के किसी भी अंग पर असुरक्षित तरीके से गुदवाया गया टैटू हेपेटाइटिस, एड्स, लीवर, सिरोसिस या कैंसर का बन सकता है कारण। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने वाले 5 अपराधियों प्रजापति, मनीष यादव, प्रिंस यादव, उदयभान यादव और सचिन यादव के ऊपर बांसगांव थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी साउथ ने दी जानकारी। जिले में स्थापित होगा 48 नगरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। 20 नगरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की प्रक्रिया हुई पूरी। वेलनेस सेंटर में ओपीडी, औषधि भंडार, डे केयर की रहेगी सुविधा। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। गोरखपुर के युवाओं में है फायर। बस उन्हें बेहतर संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की है जरूरत। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने लोकसभा में की मांग। कहा, बेहतर खेल संसाधन उपलब्ध होने पर चीन, जापान जैसे देशों से अधिक लाएंगे मेडल। से 19 दिसंबर तक काकोरी बलिदान दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के संबंध में एडीएमसी टी विनीत कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बलिदान दिवस के कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई, आतिशबाजी कर की खुशी जाहिर। महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गुजरात के जनता सहित भाजपा कार्यकर्ताओं की है जीत। महाराणा प्रताप
पंजाब शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के अंतर्गत महंत दिग्विजय नाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता व महंत वैद्यनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता तीसरे दिन भी रहा जारी। लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज और फैजाबाद हॉस्टल के बीच खेला गया मैच। प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पाने वाले टीम व खिलाड़ियों को नगद धनराशि मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर मुख्यमंत्री 10 दिसंबर को करेंगे सम्मानित। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।